ओडिशा का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रघुवर दास पहुंचे गृह जिला जमशेदपुर। भाजपाइयों ने किया गर्मजोशी से स्वागत, राज्यपाल रघुवर दास ने दी राज्य के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। सूर्य मंदिर के दीपोत्सव में लिया हिस्सा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या धाम के तर्ज पर जमशेदपुर के सूर्य धाम परिसर में दीपोत्सव मनाया गया, जहां 11,000 दीयों को प्रज्वलित किया गया। इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास भी शामिल रहे। बता दें कि राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने के उपरांत वे शनिवार को पहली बार अपने गृह जिला जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर पहुंचकर पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने परिसर में लगाए गए दीयों को प्रज्वलित किया। पूरा सूर्यधाम परिसर इस दौरान दीयों के प्रकाश से जगमगा उठा। बता दें कि सूर्य मंदिर कमेटी हर वर्ष इसका आयोजन अयोध्या धाम के तर्ज पर करती है। इस दौरान रघुवर दास ने सभी को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या धाम में दीपोत्सव मनाया जाता है, उसी तरह यहां भी दीपोत्सव मनाया जाता है। प्रभु श्री राम के आगमन पर पूरा देश दीपावली मनाता है और अयोध्या धाम में राम मंदिर का निर्माण भी अपने अंतिम चरण पर है और आगामी वर्ष इसका कार्य पूर्ण होगा। साथ ही उन्होंने सभी को दीपावली की बधाई भी दी। इससे पूर्व रघुवर दास के जमशेदपुर आगमन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। पर हार्दिक शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी से यही आराधना है कि सभी परिवारों में सुख समृद्धि आए। और लोगों से अपील भी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को अधिक से अधिक खरीदें ताकि हमारे गरीब भी के घर में भी दिवाली आए। यही लोगों से अपील करते हुए आप सभी मीडिया के लोगों को भी दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।